रामनगर के कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर किया गया छापेमारी। अलग अलग घरों से बरामद 20 लीटर चुलाई शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार। सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित कच्चा शराब किया गया नष्ट। कई घरों से शराब बनाने वाला उपकरण भी किया गया बरामद। रामनगर में शराब कारोबारियों व शराबियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मधुबनी बेरकही द्वंद्रा पर थानाध्यक्ष अनंत राम के नेतृत्व में किए गए छापेमारी में सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया। लगभग 20 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद करने के साथ कई शराब के ठिकानों से चुलाई शराब बनाने वाला यंत्र बरामद किया गया। साथ ही मधुबनी से दो शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में छापेमारी की गई है। अलग अलग घरों से लगभग 20 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया है, साथ ही दो कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में दरोगा श्वेत सागर, मोहित कुमार, राजन कुमार, संतोष जायसवाल, मोहम्मद इरशाद, सुरेंद्र कुमार, महिला एसआई व महिला पुलिस और पुलिस जवान शामिल रहे। 20 लीटर बरामद हुआ है मधुबनी में, लगभग 9 लीटर और धांगल टोली में 11 लीटर, बिरकहनी और गोंदरा फॉर्म में भी छापेमारी की गई। भारी मात्रा में करीब 1000 लीटर पास अर्धनिर्मित पास किया गया, विनष्ट किया गया। इसमें अभी तक दो गिरफ्तारी हुई है, दोनों गिरफ्तारी मधुबनी से हुई है। अभी भी छापेमारी जारी है। शराब बनाने वाले कुछ उपकरण भी शराब बनाने वाले कुछ उपकरण भी मिले हैं, जिसे किया गया है।